दिल्ली वालों आपने कमाल तो कर दिया, पूरी दिल्ली के अंदर डंका बज रहा आप लोगों का, पूरे देश के अंदर डंका बज रहा आप लोगों का। अब देश में अगर कोई नेता कहता है सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो, पूरे देश में कोई नेता कहता है सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो, कोई नेता कहता है 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। दिल्ली के लोगों ने देश की राजनीति बदल के छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और अन्य मंत्रियों सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन एवं राजेंद्र पाल गौतम ने भी केजरीवाल के साथ सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में पिछली सरकार के सभी 6 मंत्रियों को एक बार फिर शामिल किया है। रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आपके हजारों समर्थक सुबह से ही पहुंच गए थे। रामलीला मैदान में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे नेता हैं। आम आदमी पार्टी ने शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी अन्य नेता को न्योता नहीं दिया। हालांकि बनारस दौरे के चलते मोदी इसमें शामिल नहीं हो पाए। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके साथ मंच साझा करने के लिए विभिन्न वर्गों के उन 50 लोगों को भी आमंत्रित किया गया था जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार के कार्यों में विशेष सहयोग दिया। IIT छात्र से लेकर दिल्ली मेट्रो की चालक सहित सभी 50 विशिष्ट आमंत्रित लोग शपथ ग्रहण के समय मंच पर मौजूद थे। उनके अलावा दिल्ली के भाजपा सांसदों और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।